अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बदेल ने किया गुलाबबाड़ी क्षेत्र में सड़क का शिलान्यास। गुलाबबाड़ी पुलिया के दोनों तरफ सड़क टूट के होने से स्थानीय लोग लंबे समय से थे परेशान। कई बार प्रशासन को चेतावनी के बाद भी नहीं हो रही थी कोई सुनवाई। अजमेर के अधिवक्ताओं को मिली सौगात। स्टेशन कोर्ट परिसर अजमेर में शुक्रवार को डिस्पेंसरी का हुआ उद्घाटन। जिला एवं स्टेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना लंगा ने विधिवत रूप से डिस्पेंसरी का किया उद्घाटन। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग अजमेर द्वारा रोजगार सहायता शिविर का हुआ भव्य आयोजन। राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अजमेर में आयोजित किया गया रोजगार मेला। 300 कंपनियों द्वारा लगभग 2000 पदों पर निकाली गई भर्ती। दीपावली के त्योहारों को देखते हुए अजमेर शहर में अलग अलग जगह ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शहर के कई हिस्सों में हुई ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस दे रही आमजन को निर्देश। जनाना अस्पताल की तलाश में एमपी की महिला पहुंची जेएलएन अस्पताल। अजमेर पुलिस की जाबाज महिला कांस्टेबल की सूझबूझ से एमपी की महिला की जेएलएन अस्पताल में चिकित्सकों ने करवाई नॉर्मल डिलीवरी। कोतवाली थाने की हेड कांस्टेबल अनिता राज की मदद से हुआ संभव। कलयुगी बेटे के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद देकर पहुंची एक मां। लोहाखान निवासी चंदा देवी ने छोटे बेटे के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। कलयुगी बेटा बहु बुजुर्ग मां के साथ करते हैं मारपीट। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में नियुक्ति दिलाने के नाम पर टीचर से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। धोखाधड़ी करने वाला भी है एक टीचर। उसने आरपीएससी में अधिकारी को अपना परिचित बताकर 38,87,000 रुपए हड़पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के तहत सामान्य दर्शन, साहित्य, ज्योतिष गणित, ऋग्वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित, सामान्य संस्कृत, व्याकरण, भाषा विज्ञान, योगा विज्ञान एवं यजुर्वेद विषयों की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर हुई जारी। नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा 5 वर्षीय मासूम बालिका को टॉफी का लालच देकर घर ले जाकर अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला आया सामने। मासूम बालिका की मौसी ने आरोप लगाया कि गत 16 अक्टूबर को हुई थी वारदात। पुष्कर रोड स्थित हरिभाव उपाध्याय नगर सिटी प्राइड गार्डन के पास न्यूरो स्पाइन एवं मल्टी स्पेशलिटी समर्पण हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। अस्पताल में मरीज के लिए 50 बेड की व्यवस्था के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है समर्पण हॉस्पिटल। दीपावली त्यौहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत नसीराबाद में खाद्य विभाग द्वारा कस्बे के कई खाद्य पदार्थ विक्रेता व्यापारियों की दुकान पर की गई कार्यवाही। सैंपल किए गए जब्त। स्वास्थ्य अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी अजय मोयल द्वारा कार्यवाही को दिया गया अंजाम।